धमाका होने वाला है नानू के यहाँ। वाओ, ये तो ना किसी WWF मैच की तरह लग रहा है। एक तरफ खन्ना खानदान के नानू और दूसरी तरफ आलूवालिया परिवार की बेबे। रॉकी भैया, राशि कह रही है कि नानू के WWF मैच होने वाला है पापा जी और बेबे के बीच। देना एक सेकंड। हेलो, हाय राशि। हाय रॉकी। हाय रावी, एक सेकंड ना, बैट लगा रहे हो? कौन जीतेगा? नानू की बेबे खान मार्केट में ट्री। ऑब्वियसली नानू ही जीतेंगे। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, लेकिन ये गलत जवाब है। सही जवाब है बेबे। बेबे ही जीतेगी, बैट लगा रहे हो? डन। बेटा अपनी गुल्लक से पैसे निकाल दो। पापा जी प्लीज जरा इसको टेस्ट करके देखिए ना। कुछ गड़बड़ है, मतलब बढ़िया नहीं है काम। ये पनीर है ना, मेरे को लगता है थोड़ा सख्त हो गया। मुझे पता था पापा जी, आज ना मैं आपकी नाक कटवा कर ही रहूंगी। आपको भी क्या जरूरत थी अपनी बहू की तारीफ करने की? उनकी हाँ में हाँ मिला देते, कह देते दो कौड़ी की है मेरी बहू, कुछ नहीं आता उसे। मैं भी परेशान हो चुका हूँ, वैसे भी अच्छी बहू मिल चुका है। कैसे कह देता मैं बेबे को कि मेरी बहू स्मार्ट नहीं है, है? भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझसे क्या कहना चाह रही है। मेरी बेटी मतलब उसकी बहू और मेरी बहू दोनों बहुत स्मार्ट, एंड आई नो दैट। तू एक काम कर, तू ना ये पनीर छोड़। हो गया ना, जो नुकसान हो गया जाने देना। मैं नए पनीर का ऑर्डर करता हूँ और तू नया मसाला पोन, तो मिलके बना लेंगे। क्या पापा जी, 2 मिनट नूडल तो बना नहीं सकते, शाही पनीर क्या बनाओगे? ये बात भी सही है तेरी, फिर अब क्या करें? भाई देख, शाही पनीर बनाना तो बहुत जरूरी है। मैं ना पिंकी दी को फिर से फोन करती हूँ, बस यही रास्ता बाकी है। ओए होए, ये हुई ना स्मार्ट बात। हाय मामी। रावी, मम्मी को फोन दे जरा। हाय मम्मा, मामी का फोन है, एक सेकेंड। मेरे सेल फोन पर भी 2 मिस कॉल थे। सनी और राशि सो गए? हाँ, खाना खा के सो गए। गुड। हेलो, हाय डॉली। दीदी प्लीज प्लीज प्लीज, आज शाम के डिनर के लिए शाही पनीर आप बना लाएंगे? मैंने बहुत कोशिश की पर बन ही नहीं रहा। दीदी आप तो जानती है ना, ये शाही पनीर आज के डिनर का इज्जत बचाओ आइटम है, प्लीज। ठीक है, बना दूंगी। थैंक गॉड, तो पापा जी की इज्जत आपके हाथों में। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, मेरा मतलब है खन्ना खानदान की इज्जत अब आपके हाथों में। ठीक है। ओके दी, थैंक यू, जल्दी आ जाओ, बाय। क्या बनाना है? शाही पनीर, लेकिन शाम को मेरा अपॉइंटमेंट है। ओह नो, तो अब क्या करोगे? अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दूंगी, ये ज्यादा जरूरी है, पापा जी की इज्जत का सवाल है और मामी की भी। लेकिन फिर आप मुझसे अब और ये सब नहीं छुपाया जाता राफी, मैं शाम को तेरे पापा को बता दूंगी सब कुछ, बता दूंगी कि मैं फेल हो गई। झूठ बोलना, ये बातें छुपाना मुझसे अब नहीं होता। हेलो नानू, पेरी पोना। जितना क्या बताएं, की लोड सी जी। आ देखना बेबी जी आई है। पेरी पोना, जीती रहे, खुश रहे, सोनी तो तू बहुत है। बहुत तारीफ करते हैं तेरे ससुर जी। पापा जी तो बस ऐसे ही।
हाँ वो तो है। मामी रेडी फॉर द टेस्ट? नानू मौसी और नहीं आए? भाई आने वाली है, तू फोन करके देख ना निकलेगी नहीं। उस पर मैं अभी आई। हाँ हाँ पता जा। सब तैयार हो गया क्या? सॉरी डॉली मैं आ नहीं पाई, तेरी कोई हेल्प नहीं कर पाई। नो प्रॉब्लम दी, बाकी सब तैयारी हो गई है, बस वो शाही पनीर का इंतजार है। मतलब वो पिंकी दी ला रही है ना, मैंने बहुत कोशिश की पर बना ही नहीं। पिंकी ला रही है? फिर पिंकी है कहाँ, अभी तक आई क्यों नहीं? पता नहीं। मामा मासी पहुंच गई है। जीत प्लीज जरा टेस्ट करके बताइए ना कैसे। अरे अच्छा ही बना होगा, वरना वहां मेरे ससुर जी के खानदान की नाक कट जाएगी। प्लीज एक बार टेस्ट तो कर लीजिए प्लीज। ओके। बहुत अच्छा बना है। ना अच्छा बना है, मुझे तो लग रहा है कि कह दूं कि मेरी वाइफ ने बनाया। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, और राशि और सनी खासकर दोनों बिल्कुल नहीं बोलोगे कि ये डिश मैंने बनाई है, ये डॉली मामी ने बनाई है। ओके ओए डॉली पुत्र, तू इतनी छोटी सी रसोई में काम चला लेती है। हम तीन ही तो हैं बेबे, लीजिए। पर बच्चे भी तो होंगे। तूने बच्चा किया क्यों नहीं? तेरी शादी को तकरीबन 3 साल तो हो गए ना। खाना तैयार कर लिया तूने? शाही पनीर कैसे बनाती है तू? वो अपने माँ के तरीके से। आप पहले खाइए ना, फिर मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। अब कहाँ है? माइक्रोवेव में। वो क्या है ना कि आजकल मैंने एक नया तरीका निकाला है, जो भी मैं खाना माइक्रोवेव में गर्म करती हूँ ना उसी में रख देती हूँ, तो वो माइक्रोवेव की गर्माहट से जो ग्रेवी का स्वाद है वो पनीर में बड़े अच्छे से घुल जाता है, और पनीर का अपना स्वाद भी नहीं जाता। अब आप भी ट्राई कीजिए। आप आइए ना, आइए ना। लक्की ने तो कहा था कि वो देरी से आएगा, लेकिन पिंकी और आपका दामाद दोनों ही लेट लतीफ हैं। भाई मुझे तो भूख लगी है। SHD सेमिया दादी BMPC। भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे स्मार्ट नानू। रॉकी तू घर से ब्रेड खा के निकला था ना। हाय हाय स्वीटी, अब बच्चों के खाने पे भी नजर रखती है तू, हद है भाई तेरी तो। मम्मी जी हम ना वो पिंकी का वेट कर रहे हैं ना, एक बार पिंकी आ जाए बस। तो ठीक है हम खाना शुरू कर लेते हैं, वो लोग लक्की के साथ खा लेंगे। करो ना रॉकी भैया। अरे मुझे बेड जीतने की बहुत जल्दी है यार। शरबत अच्छा है ना जी, काफी ठंडक पहुंचती है पीने के बाद। दादी
आओ ना, खाना रेडी है। मैं आपसे कल बहुत जरूरी बात करने वाला था, पता नहीं क्यों ध्यान से निकल गया। आपके घुटनों में दर्द रहता है मैंने सुना है। जी क्यों? नहीं आप ना होम्योपैथी की इलाज करवाइए, बहुत अच्छा होता है। यहाँ पास में एक डॉक्टर है होम्योपैथी का, मेरा दोस्त है, मैं उससे मिलवा दूंगा आपको। डॉली जी, वो शाही पनीर भी टेबल पे लगा दे। ठीक है, बस पहुंच ही रहे, पास में ही है। My God, तू वेट कर लेते हैं ना? नहीं, इस रॉकी के चक्कर में ना मम्मी जी को शक हो जाएगा, तो एक काम कर, एक बोरा ढक कर वहां लगा दे। लेकिन उसमें डालेंगे क्या? डालेंगे क्या? इसके बारे में बाद में सोचेंगे, अभी फिलहाल को एक बोल रख देना। माँ, रॉकी को दूर ही रखना, नहीं तो दादी को चुगली कर देगा। इस रॉकी को तो मैं देखती हूँ। वाओ। क्या कर रहा है तू? जा ये ले, डैडी जी और मामा जी को फोन करके देख उन्हें कितना वक्त लगेगा, हम उनका वेट करें या नहीं। इसको बोलो ना, ये तू कर, तुझे जो कह रही हूँ उतना कर, जा चल। अरे ठीक है, मिलवा दीजिएगा जी, पर अब तो खाए बिना नहीं रहा जा रहा। आई 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 बैठे। आप भी आइए ना, समझी जी। आप शुरू करो ना जी, बस बच्चे आ रहे हैं, मैं बैठता हूँ। मम्मी जी मैं परोसती हूँ। मैं परोसती हूँ। शाही पनीर परोसो ना। ये शाही पनीर है दादी, looks great ना? बेटा, देखने से नहीं पता चलता, खाने से पता चलता है। क्यों समधी जी? जी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मम्मा से आ गए। पिंकी और जीत आ गए मम्मी जी। हाँ आ गए आ गए। हेलो बेटा। प्रणाम बेबी। नमस्ते बेटा। बच्चों आओ, बेबी से मिलो। राशि हमारे पीछे छुपते छुपते आना। आओ आओ बच्चों, चलो आओ। अच्छा आओ बेटा। जितने पहली पौना जी हूँ देरो, कैसी हैं आप? बड़े दिनों के बाद दर्शन हो रहे हैं आपके। चल तू खाने। अच्छा हुआ आप आ गए। जब बड़े बुजुर्ग घर पर आते हैं तो घर में रौनक आ जाती है, घर भरा भरा सा लगता है।
अब हम रॉकी भैया के सामने डिश कैसे लेके जाएंगे? कुछ करती हूँ, रॉकी भैया चलो। हाँ। आपसे एक बात क्लियर करनी है। अरे अभी नहीं यार, खाने के बाद। नहीं अभी। अरे खाना तो खाने बाद में। हमने जो बेट लगाई थी वो ऑन है ना? हाँ क्यों? नहीं मैं सोच रही थी कि हाथ पे हाथ रख के कंफर्म कर ले। ओके सनी बेटा पैरी पोना करो दादी को। क्यों धरा कुत्ते रे, खुश रहे। अरे ये तो बड़ा ही प्यारा बच्चा है, रंग तो इसने तेरा लिया है। अब मम्मी जी आप कहाँ बातों में लग गई, खाइए ना शाही पनीर। बहुत भूख लगने लगी। और रॉकी को भी दे दे, उसे भी चाहिए था। समझी जी, आपकी बहू ने पनीर तो बहुत अच्छा बनाया है। लाजवाब है आपकी बहू जी। मुझे पता है, एक्चुअली मेरी तीनों बेटियां ही लाजवाब हैं। अरे जीत बेटा तू भी शुरू हो जाए ना। हाँ जी, मैं बस हाथ धो के आता हूँ, चलो। पापड़ तले, पापड़ लेकर आते। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ। समधी जी, जी आप भी शुरू कीजिए ना। जी मैं लड़कियां बाद में खाएं। भाई जब तूने ढक्कन उठाया था ना, मेरी तो सांस ही रुक गई थी। वैसे उसके अंदर वो चीज आई कहाँ से? अरे मैंने भी तो शाही पनीर बनाया था ना, लेकिन वो इतना बकवास बना, फिर भी मैंने उसे फेंका नहीं था, जाने क्यों। अच्छा हुआ, कम से कम तेरी मेहनत काम तो आई। सीरियसली दीदी थैंक यू, आपने तो मेरी इज्जत बचा ली। और तू क्या बात बात पे उदास हो जाती है, तुझसे तो बात करनी पड़ेगी मुझे। से क्या प्रॉब्लम है इन्हें, लड़कियां ऑलवेज सेकंड आती है के लिए। पिंकी तू भी ना, पापा जी बिल्कुल सही कहते, तू झल्ली की झल्ली है, मतलब इतनी सी बात मुझे नहीं बता सकती थी। दीदी इतने दिनों से कोशिश कर रही हूँ, एक पैसे का सामान नहीं बेच पाई, और आज आखिरी दिन था। अरे देख अभी तक ना तेरे बात समझ में नहीं आई है, पहले आपस में ही बेचते हैं, फिर उसका धौंस दिखाकर दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं। देख अब तो कुछ बेचेगी तो तेरी जो सीनियर है ना वो कुछ पैसे बनाएगी, उसका कुछ कमीशन बनेगा। एक बार उसका कमीशन शुरू हो जाएगा तो बस तब देखना वो खुद ब खुद तेरी हेल्प करेगी सामान बेचने। मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब ये काम और नहीं करना, और मैं जीत को भी सब कुछ बता दूंगी। काम करती रहे, तो 10,000 का सामान ना मुझे बेच दे, और अपने सीनियर को फोन करके बता दे कि तूने 10,000 का सामान बेच दिया। अरे सामान बेच और प्रॉफिट कर, फिर देखना जीत भाई साहब कितने खुश हो जाएंगे। अच्छा तो समधी जी की बहू ही नहीं बेटी भी काम करती है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।